चलिए अब समझते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। उस सारे रूल्स जो हम लोगों ने पढ़ा है उस रूल्स को इसमें यूज़ करना सीखेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में रूल एक जैसा ही है, दोनों सेंटेंस को हम एक साथ सीखेंगे। मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखा है बोर्ड पे। पहला सेंटेंस लिखा है माय फ्रेंड से टू मी आई विल आल्सो अटेंड दिस क्लास विथ यू। अभी सेंटेंस के अंदर नॉमिनेशन किया हुआ है कि किसको क्या कहते हैं और इसको हम पहचानते हुए इसको चेंज करेंगे। माय फ्रेंड सब्जेक्ट कहलाता है, माय फ्रेंड से टू जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है उसको वो पास्ट टेंस में है तो इसको हम यहाँ पे टोल्ड लिखेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में जब भी अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो से टू की प्लेस पे यहाँ पे टोल्ड लिखेंगे। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि से के साथ में डू का यूज़ किया जाता है लेकिन टोल्ड के साथ में डू का यूज़ नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। माई फ्रेंड टोल्ड मी, ये आपने चेंज करा है से टू को टोल्ड में। अब जो इन्वर्टेड कॉमा है ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे दैट यूज किया जाएगा। इस इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे दैट यूज किया जाता है। सेंटेंस दिख रहा है आई विल आल्सो अटेंड दिस क्लास विथ यू, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट भी नहीं लगा हुआ है और नहीं ये इंट्रोगेटिव है नहीं डबल इंट्रोगेटिव है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को इस तरह से यूज करेंगे इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे दैट यूज करेंगे। पर्सन है, ये पर्सन है, अभी हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट माय फ्रेंड है तो यहाँ पे ही या सी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट विल टेंस है, विल का करस्पोंडिंग पास्ट टेंस होता है वुड, आल्सो अटेंड दिस प्लेस है, दिस को यूज किया, दिस को चेंज किया जाता है दैट में। यू पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है तो यू की प्लेस में मी लिख देंगे। इस तरह से चेंजेस जो हुआ है ये पर्सन में चेंज हुआ है, प्लेस में चेंज हुआ है, टेंस में चेंज हो गया, पर्सन में चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस यूज किया और ये सेट टू को टोल्ड लिखा। सेट टू को यहाँ पे सेट टू भी लिखा जाता है लेकिन वही सेट टू लिखेंगे तो पूरा सेट टू लिखाएगा अदरवाइज टोल्ड लिखा जाएगा। सेकेंड सेंटेंस है ही शेड टू ही सन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ, इसके अंदर ये रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में तो ही शेड टू की जगह पर टोल्ड लिखेंगे, ही टोल्ड ही सन, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव का इसलिए दैट यूज करेंगे। यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ, यू कौन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट ही सन है तो ही सन कौन है, ही, यहाँ पे ही यूज करेंगे। ये टेंस हो गया, कैन का कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस होता है कुड, कुड यूज करेंगे। देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ, नाउ टाइम में आता है तो नाउ को देन यूज करना पड़ेगा। नाउ थर्ड सेंटेंस शी सेड टू हर ब्रदर आई एम नॉट अटेंडिंग हिज फंक्शन टुडे, सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में इसको लिखेंगे सी टोल्ड हर ब्रदर, सेंटेंस चूंकि नेगेटिव में है तो इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे दैट यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में यहाँ पे शी है, शी लिखेंगे और एम, एम का कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होगा इज एम आर जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इज एम आर तो उसको चेंज करेंगे वाज वर में, शी के साथ हो जाएगा वाज नॉट अटेंडिंग हिज, हिज थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, टुडे टाइम है तो टाइम को दैट डे करेंगे टुडे को। ये हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच। ये सेंटेंस अफर्मेटिव में लिखा हुआ है, इसको पहले इंट्रोगेटिव में बदलता हूँ कि इंट्रोगेटिव में क्या दिखेगा, क्या रहता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है हेल्प टू वर्ब आगे, इसको मैं आगे लिख देता हूँ।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नाउ इट इज, ये मैंने जो करा है हेल्प यू आपको आगे लिखा है, ये सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखा होता है। शुरू में क्या लिखा होगा? सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले क्या क्या हो सकता है? जितने भी हेल्पिंग वर्ब है कुछ भी हो सकता है आगे। अगर आगे लिखा हुआ मतलब वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का जो राइट स्पीच में है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने में क्या चेंजेस करना है, तो जो रूल है जो पुरानी चीज़ें सब चेंजेस करेंगे। इसमें बेसिक तीन नई चीज़ें जो आपको देखना पड़ेगा, तीन नई चीज़ें इसमें आपको याद करनी पड़ेगी, वो ये है कि सबसे पहले ये जो सेट टू है, सेट टू के प्लेस पर हम अब आप लिखेंगे आस्क्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसलिए आस्क का पास्ट फॉर्म लिखाएगा आस्क्ड। जैसा सेट टू के बाद टू लिखा है, यहाँ पे आस्क के बाद टू नहीं लिखाएगा। जैसे आपने अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में टोल्ड लिखा था, लेकिन टोल्ड के बाद टू नहीं लिखा जाता है। सिमिलरली टू इज नेवर यूज आफ्टर आस्क बिफोर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस रहेगा माय फ्रेंड्स आस्क्ड मी, ये आज का मतलब क्या? पूछा जाना, पूछना, क्योंकि सेंटेंस में पूछा जा रहा है। विल आई ऑल्सो अटेंड दिस क्लास विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ ये क्लास मैं भी अटेंड करूंगा। तो ये क्या पूछा जाना है, क्वेश्चन पूछा है, तो यस और नो में हमें आंसर मिलने वाला है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेट टू की प्लेस पे यहाँ पे आज लिखेगा पहला चेंज। दूसरा चेंज, जो दूसरा चेंज है इन्वर्टेड कॉमा, इस इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आपको दैट का यूज नहीं करना है, इसके प्लेस पर हमें यूज करना है या तो इफ यूज करेंगे या फिर वेदर यूज किया जाता है। ये दो पॉइंट चेंज करना है आपको, आज और इफ या वेदर। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसको अफर्मेटिव में लिखा जाएगा, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में लिखा जाएगा। इस सेंटेंस का जब अफर्मेटिव लिखेंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? आई है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं होता है, पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ही। फिर इसका विल है, तो विल को लिखेंगे और आल्सो अटेंड। दिस का भी चेंज करेंगे दैट क्लास विथ, पर्सन को भी चेंज करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होंगे उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, पूरा सेंटेंस कैसे लिखाएगा फुल स्टॉप वाला। तो सेंटेंस है माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ ही वुड आल्सो अटेंड दैट क्लास विथ मी, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका इनडायरेक्ट में चेंज करना है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए से टू की जगह पे हम यूज करेंगे आस्क्ड। और इन्वर्टेड कॉमा को प्लेस यूज किया गया इफ या वेदर, मैं यहाँ पे इफ यूज कर रहा हूँ। उसके लिए सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है, पहले इसको अफर्मेटिव ही बनेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा सेंटेंस अफर्मेटिव ही होता है, तो जो अफर्मेटिव में है कैसे करेंगे अफर्मेटिव में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यू है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते थे, यहाँ मी है, इसलिए यू की प्लेस पर आई यूज करेंगे। और जो टेंस है उस टेंस को करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, कैन का कुड हो जाएगा, आई कुड बोरो मनी फॉर माय, माय फर्स्ट पर्सन है, यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन है? शी, इसलिए माय की जगह पे क्या जाएगा? हर मदर। शी आस्क्ड मी इफ आई कुड बोरो मनी फॉर हर मदर। इसी सेंटेंस को डबल इंटोगेटिव बनाते हैं, बहुत मायने चेंज करना पड़ता है इसके लिए। डबल इंटोगेटिव के लिए इसके आगे क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ व्हेन। बस जब ये सेंटेंस के आगे व्हेन लिख देते, सेंटेंस बना हुआ है डबल इंटोगेटिव, मैंने इसलिए यहाँ मायने चेंज करके लिखा ताकि ये समझ में आए कि इंटोगेटिव डबल इंटोगेटिव में, इंटोगेटिव में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, बस ये जो इंटोगेटिव वाला पार्ट है उसके आगे क्वेश्चन वर्ड लिखा होता है, ये डबल इंटोगेटिव सेंटेंस हो गया या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हो गए। तो सेंटेंस बन गया माय फ्रेंड से टू मी व्हेन विल आई आल्सो अटेंड दिस क्लास विद यू। जब भी डबल इंटोगेटिव हो या क्वेश्चन वर्ड वाले डायरेक्ट स्पीच हो उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो रूल तो यूज करेंगे। क्या रूल था? कि से टू की प्लेस पे आज यूज करेंगे, तो किया है।
अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे यहाँ पे इफ या वेदर कुछ भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे कुछ भी नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, तो इसके प्लेस पे जो क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है वही लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड व्हेन लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड व्हेन यूज करेंगे हम इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे व्हेन। उसके बाद जो सेंटेंस को क्या करा था इंटरोगेटिव में, उसको अफर्मेटिव बनाया था, तो इसको हमें अफर्मेटिव में लिखना पड़ेगा। तो विल आई ऑल्सो अटेंड दिस क्लास विथ यू, इसको अफर्मेटिव में लिख दिया ये व्हेन। उसका देखिए ही वुड लिखा है, ही वुड ऑल्सो अटेंड दैट क्लास विथ मी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। तो इसमें क्या चेंजेस करा हमने, तीन जगह चेंजेस करा है, तीन जगह चेंजेस में जो नया किया वो क्या किया है, एक तो जो सेट टू इसके प्लेस पे आज यूज किया है, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा। उसका जो क्वेश्चन वर्ड ऐसा कैसा लिखा जाएगा, उसका जो सेंटेंस है जो पूरे सेंटेंस को फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ लिखना रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो यही करा है, आई का ही हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही लिखा है। टेंस है, टेंस का करस्पोंडिंग, विल का करस्पोंडिंग पास्ट टेंस, वुड लिख दिया, ऑल्सो अटेंड, ये प्लेस को चेंज किया, दैट क्लास विथ वो पर्सन को मी में चेंज कर दिया। इसी तरह से इसमें देखते हैं क्या लिखते हैं, ये मैंने हाउ क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हाउ क्वेश्चन वर्ड लगाने से डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया है। हाउ कैन आई, हाउ कैन यू बोरो मनी फॉर माय मदर, तुम मेरे मदर के लिए पैसे कैसे उधार मांग सकते हो। तो जब इसको चेंज करेंगे तो वही सेट टू को आस्ट में चेंज करेंगे पहला चेंज। दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके प्लेस पे इफ नहीं लगाते हुए क्या लगाएंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है वही लिखेंगे हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड लिख दिया हाउ, शी आस्क्ड मी हाउ। उसका जो सेंटेंस है उसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हो गया, आई वुड बोरो मनी फॉर हर मदर फुल स्टॉप। इस तरह से डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम एंटायर स्पीच में चेंज करते हैं। उसका इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, उसका हम अलग से देखेंगे।